कल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आ गए एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 45 मिनट है नमाज में, जब तक चहलकदमी कर लेते हैं। तो आज बारबेक्यू का भी सीन बनाया है, बारबेक्यू भी करेंगे और पानी काफ़ी हद तक सूख गया है, तो आज बारबेक्यू का भी सीन है। आज बारबेक्यू करेंगे, फुल हल्ला गुल्ला मचाएंगे आज, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ आज और थोड़ा बहुत रहता है पानी, लेकिन यहाँ पानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी तक पानी नहीं सूखा, यहाँ पानी है, चेक करो मेरे ट्राईपोर्ट के पास अभी तक पानी है। तो ये भी सूख जाएगा, अभी थोड़ी धूप है ना, धूप आ रही है और देखो यहाँ सारा सूखा हुआ है। Searching for a longer day, people feeling like the light has just come। तो एक्सरसाइज तो कर ली है, बड़े दिनों बाद आज एक्सरसाइज की है, यादें थोड़ी ताज़ा हो गई मेरी यार, एक्सरसाइज कर ली है, मज़ा आ गया। अभी नमाज पढ़ेंगे, नमाज में तो अभी टाइम है। बारिश का मौसम तो नहीं हो रहा आज, आज बारिश का मौसम नहीं, आज बारिश नहीं होगी, लेकिन वेदर में तो दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखो बारिश होती है या नहीं होती, हवा भी थोड़ी तेज़ है। तो चलो फिर मस्जिद की तरफ चलते हैं, मस्जिद में वुजू करते हैं, वुजू आज करके नहीं आया, वुजू करते हैं उधर और बैठते हैं, इमाम साहब का वेट करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। अब ये देखो सारी काई जमी हुई है यार, गंदी काई जमी हुई है। सबसे सुकून वाली जगह हकीकत में यार। तो चलो यार मैं फिर वुजू कर लेता हूँ, वुजू हो गया, टोपी निकाल लूँ। चलो यार अभी फिर नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद फिर घर चलता हूँ और फिर घर जाके आपको अपडेट देता हूँ कि गोश्त पे मसाला लग गया है, क्योंकि आज बारबेक्यू का सीन है। तो फिर घर चल के मिलता हूँ, तब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक टाइम है, जब तक ये मैं दरी बिछा लेता हूँ और ये इमाम साहब की नमाज बिछा लेता हूँ, क्योंकि यार जिस तरह आप अपना घर साफ़ करते हैं उस तरह मस्जिद भी साफ़ किया करें, तो ये सवाब का काम है। और चलो फिर मैं करता हूँ। 2000 years later। अच्छा तो अभी घर आ गए हैं और ये अपनी शहजादी खड़ी हुई है, और दूसरा हमारे वो चौक पे ना PTI का जलसा हो रहा है, और इस तरफ अलखिदमत वालों का हो रहा है। अलखिदमत वाले हैं ना वो, अलखिदमत वाले बिलाज भी आ गए। तो अभी हम लोगों ने जाना है, अंगीठी लेनी है, अंगीठी सीखें और क्या कोयले, और कोयले लेने। तो चलते हैं ये काम करते हैं और आपको जलसा भी दिखा रहा हूँ। अच्छा यार ये वाला PTI का हो रहा है, ये वाला मुंबई वालों का हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कोयले किस तरह किलो है? कोयले 50 रुपए किलो। ये 2 किलो है? हाँ ये 2 किलो है ना। कितने बजे तक खुली है? रात भर 24 घंटे सर्विस है, 24 आवर्स। चलो कोयले ले लिए हम लोगों ने और अब जा रहे हैं कहीं से मुफ्ते की सीके लेने और अंगीठी लेने। तो गली पूरी साफ हो गई है, चेक करो देखो। तो यार ये साफ़ करनी चाहिए, अपना घर जिस तरह हम लोग साफ़ रखते हैं उस तरह हमें अपनी मस्जिद भी, जिस मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो भी साफ़ करनी चाहिए, और दूसरा गली भी साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है नमाजी जाते हैं गली से तो वो फिर आपको दुआ दे देंगे, अगर उनके कपड़े हम लोग बचा रहे हैं, पाक पाक कपड़े होते हैं तो वो बचा रहे हैं तो वो हमें दुआ देंगे। की हो गई बाइक नू बंद हो गई, स्टार्ट हो गई ये। तो अभी फिर हम लोग जा रहे हैं मुफ्ते की सीके लेने और ये घर का पानी लेके आना है। तो हम लोग व्लॉगिंग के अलावा घर के छोटे मोटे काम भी करते हैं, क्योंकि घर के सबसे छोटे हैं, सारे हमें कहते हैं छोटे। तो चलो यार बिलाज भाई, और इस बात में एक मैसेज है कि आप लोग भी अपनी गली साफ़ किया करें, आसपास जो कचरा होता है उसको साफ़ करा करें, एक ये किस्म का सवाब भी है, और जो भी बुज़ुर्ग यहाँ से गुजरेगा तो वो बोलेगा कि माशाल्लाह गली साफ़ है, वो आपको दुआ भी देगा। और अब ये कचरा फेंकने जा रहे हैं हम लोग, बिलाज भाई भी इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, बिलाज भाई भी सवाब कमा रहे हैं। ये हो गई है सीखे, और ये गोश्त है, मसाला मसूला लग गया इस पर। तो अभी हम लोग अपने दोस्त की छत पे आ गए हैं, तो ये थोड़ी छत इसकी ऐसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये बिलाज भी बैठा हुआ, ये पीछे थोड़ा सा कचरा है, इसको आप लोग करना इग्नोर, क्योंकि यार ये सामान वामान पड़ा हुआ है। और बाकी ये हमारा चूल्हा, अंगीठी, इसमें कोयले लगने हैं।
तो ये बाकी थोड़ा हमारा आ गया है स्पीकर, एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, चार कुर्सी, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये पूरा सेटअप है जो हमारे इस अली भाई का है। अली भाई का निकाह वाला व्लॉग आ रहा है, वो भी ज़रा देख लो। लड़के का निकाह हो गया ये भाई, तुम जिंदगी हो तो भला जिसकी जैसी हो यार। बिल्कुल अच्छा हो गया। ये हमारा बाबा है, इसको हम कहेंगे बाबे। तो अभी ये सेटअप हो गया है, बिलाज भी ज़रा दिखाएं। ये नीचे हमने ब्लॉक रख दी है और ऊपर ये हमारा आ गई अंगीठी जिसको चूल्हा कहते हैं, और अभी इसके ऊपर आग लगाएंगे। ये हम पेट्रोल लेके आ गए हैं और ये पेट्रोल भर रहा है 230 230। तो अभी सफ़र करो, अली पहले वो ले आए माचिस ले आए, उसके बाद फिर इस पर आग लगाते हैं। आपको आग स्लोमो में दिखाते हैं। पेट्रोल अपना अपना। अरे यार पेट्रोल को छोड़ यार, बलाज मेरे तो बोलते यूं ही मार फूके मार मार के। अच्छा तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने वीडियो के चक्रों में पूरा पेट्रोल ख़त्म कर दिया, पेट्रोल पूरा खाली हो गया है और आग भी बुझ गई है खाली टिकटॉक के लिए। ये टिकटॉकर बैठे हैं, हमने तो यूट्यूब के लिए बनाई है, ये बाबा टिकटॉकर है। अबे क्या सीन है यार, ये किसके पड़े हैं? ये रनिंग में जब मैं जाता हूँ ना पुलिस वालों के ट्रेन में, साल तभी तो रहता है इतने सतह पर के लोग पूरे साल पूरे ऊपर पड़े थे जब रनिंग होती है पहन लेते। तो अभी फिर यही करते हैं कि आग जलाते हैं, आग जला के फिर आपको दिखाते हैं और बोटियां लगाते हुए भी दिखाते हैं। तो चलो फिर। ओए इस डब्बी में हम लोग पेट्रोल लाए थे, ये जली हुई आग में पेट्रोल फेंक रहा, डब्बी भी लग गई पूरी इधर उधर सब। यार वो देख लगा लगा। चलो यार सीखे लगा देते हैं। लग गई सीखे। तो ये चार चार लगा रहे हैं हम लोग एक पे, ये पूरा हमारा गोश्त है। तो भाई ये अभी आपको मैं तरीका बता रहा हूँ सिंपल से कि हम लोग बोटियों के ऊपर ऑयल जो लगाएंगे ना, ये इसको यूं बांध के ना, फिर हम इस पे इसके जरिए हम लोग कपड़े में ऑयल जब्स करके लगाएंगे बोटियों पे। तो ये एक है जुगाड़, दिस इज पाकिस्तानी। तो यार अभी ये पूरी मैंने दो ये तीन सीखे ये पूरी पांच मैंने लगा दी है, पांच सीखे हैं। और ये भाईजान ऑयल लगा रहे हैं, सामा भाई SHO साहब, सामा भाई। तो ये ऑयल लग रहे हैं अभी, और जब तक हम लोग बैठते हैं अब सारा काम इनका है। बड़ी मुश्किल से आग लगी है यार, लेकिन आग ये है कि फाइनली लग गई। तो अभी बनाते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि यार कैसा रिजल्ट निकल के आया, क्योंकि मसाला तो मैंने कल का लगा के रखा हुआ था। तो अभी फिर देखते हैं, चेक करते हैं यार। कसम खुदा की मजदार नजर आए, उसामा भाई और एहतिशाम भाई और SHO ये दोनों, और दूसरा अली भाई जो है, अली भाई खाली मुंशीगिरी कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा जो बलाज भाई है, बलाज भाई बोटियां लगा रहे हैं उनके ऊपर। और मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा चेयरमैन बना हुआ हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के जरा देख रहा हूँ कि कोई काम उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा। कोई बंदा बाबे तू काम नहीं कर रहा, इसको मार दे रहा, थप्पड़ मार। माशाल्लाह काम हो रहा है बेहतरीन किस्म का यार, मज़ा आ गया बोटी खा के। तो यार उसामा भाई की मेहनत है, SHO भाई की मेहनत है, अली भाई की मेहनत है, बलाज भाई की मेहनत है, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको पता है किसकी है, मेरी है, क्योंकि मैंने बोटियों में मसाला लगा के कल का रखा हुआ है। तेरे माँ प्यो नू में कुत्ते बिस्कुट पाते हैं। अच्छा तो भाई एहतिशाम भाई को इस हालत में देखकर मुझे एक जुगत याद आ गई। तो एहतिशाम भाई गए गोश्त की दुकान पर, वहाँ जाके बोलते हैं यार 50 रुपए की जुबान दे दो। तो वो कहते हैं भाई 50 रुपए की जुबान नहीं आती, बोलते यार कुछ देख लो यार, कुछ तोतली सी दे दो यार। तो अभी भाई ये चाय का हमने सिस्टम पूरा लगा दिया, जब तक पानी बॉइल हो जाएगा तब तक हम लोग खाना खा ले। तो चलो फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। बलाज को पानी देता वरना खाने में बोलता रहेगा मम 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 मम। नहीं बलाज टर्की की है।
ये कबीब का छोटा बेटा हबीब है। हाय हाय, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये हमारी रोटियां आ गई, ये हमारी बोटी है। तो यार चुपचाप खाना खाते हैं, खाने में शोर नहीं करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये भी कावा हो गया तैयार, इलायची भी डाली है। माशाल्लाह दूध पत्ती तैयार है, तो माशाल्लाह अभी रेडी हो रही है। बाकी चेक करते हैं, आपको भी चेक करवाते हैं। और अभी खाना हम लोगों ने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यार बड़ा ज़बरदस्त बनाई थी बोटियाँ, यार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बोटियाँ थी, मज़ा आ गया। अभी चाय भी पीते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम खाने के बाद चाय ना पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो भाई अभी गोटा सख्त लगने वाला है, फजर का टाइम। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और ये मट्टी के बर्तन में आपका भाई चाय पी रहा है। हाय 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 हाय, मजेदार नजर आए। चलो यार अभी सब कुछ हो गया है, बावे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो अभी हम भी चलते हैं घर। और बलाज भाई ओके हो गया, ओके नहीं हो गया, पतीला उठा ओके का बचा पतीला उठा और वसीकिया पकड़। चलो यार चलो 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 घर चलते हैं, फिर घर चल के आपसे मिलता हूँ। तो अभी घर पर आ गए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है, वो अभी मैं घर पर आ गई हूँ। तो यार बहुत मज़ा आया, यार मज़ा ही आ गया ऐसे फ्रेंड के साथ बैठकर बारबेक्यू का सीन बनाया और चाय भी पी। तो अगर सारे फ्रेंड एक साथ बैठ जाते हैं ना और पार्टी कर रहे होते हैं, तो यार वो अलग ही मज़ा होता है, अलग ही लम्हे होते हैं, वो मज़ा आ जाता है यार। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खली वली।